अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, जोर वोर दुरुस्त हो गए सब? बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है जी, माशाल्लाह। हजूर नसीर अहमद मेरा नाम है, फ्रैंकफर्ट से जमत खलक। हजूर मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़मीन और आसमान की तहलीक का जिक्र कई जगहों पर फरमाया है और उसी ज़मन में कई आयात हैं कि जैसे सूरत आराफ़ है, सूरत हूद है, सूरत बनी इसराइल वगैरह, कि अल्लाह ताला ने छः वक्तों में ज़मीन आसमान को पैदा किया और उसके बाद छः दिनों में छः मराहल में और उसके बाद वो अर्श पे कायम हो गया। इसी तरह सूरत हूद की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये वो अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने ज़मीन आसमान को पैदा किया छः यौम में, उसके बाद फिर अल्लाह ताला अर्श पे कायम हो गया और उसका अर्श पानी पे है। मेरा पूछना जो मैंने पूछना है वो ये है कि अल्लाह ताला के अर्श से क्या मुराद है और ये जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उसका अर्श पानी पर है, इसकी मुझे समझ नहीं आ रहा। पानी से मुराद दो चीज़ें हैं, एक है इल्हाम और दूसरा है पानी बरसना ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जैसे कि फरमाया व जालना कुल्ला मिनल्माए कुल्ला शाइनाई, हमने पानी ही से हर जिंदा चीज़ को पैदा किया है। तो जब अल्लाह ताला फरमाता है अर्श, तो अर्श से मुराद है बिना। वो कौन सी चीज़ है जो सबसे बड़ी अहमियत रखती है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका अर्श पानी पर था, मुराद है कि दो ही तरीक़े हैं मखलूक को ज़िंदगी बख्शने के। एक मादी पानी जो सारी कायनात में ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, और एक रूहानी पानी जो तरक्की याफ्ता सूरत में इंसान की रूहानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो खुदा का अर्श वहाँ भी पानी पर हुआ, यानी मादी दुनिया में, और रूहानी दुनिया में भी पानी पर हुआ। ठीक है, समझ गए? शुक्रिया।